आज हमारे ज़िले की रिव्यू मीटिंग थी जिला प्रशासन की, जिसके अंदर मुख्य मुद्दा जो है लंपी का रखा गया, क्योंकि गायों में ये बीमार ज़बरदस्त बीमारी फैली है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे ज़िलों में जहाँ जहाँ बीमारी, जैसे बीकानेर में, जैसलमेर में, आपके हनुमानगढ़, गंगानगर में, वहाँ उन्होंने दवाइयों की विशेष व्यवस्था की है। जो दूसरे ज़िलों में डॉक्टर जहाँ बीमारी नहीं थे वहाँ के डॉक्टर यहाँ भेजे गए। ये देखा गया कि गायों में ही ये बीमारी है, जैसे भैंस के अंदर ये बीमारी नहीं है। तो राज्य सरकार की तरफ से पूरी दवाइयों की व्यवस्था है, और ये जो इंजेक्शन है गोटमॉक्स, ये इसमें काम कर रहा है, क्योंकि इस बीमारी के लिए अभी तक दवा नहीं बनी है। जो गाय बीमार हो गई उसको अलग से प्रिकॉशन में रख करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और टीका उसी को लगाया जाता है जिसमें ये रोग नहीं हो, ताकि उस गाय, वो गाय जो है रोगी ना बने। और जो गाय डेथ हो गई जिस गाय की, वहाँ दफनाने के लिए पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि जेसीबी के माध्यम से उन गायों को दफनाया जाए, क्योंकि वो खुले में रहेगी तो दूसरी गाय भी संक्रमित होने का डर रहता है। जहाँ गौशालाएँ हैं जिन गायों को लंपी रोग हो गया उनको अलग रखने की व्यवस्था है, ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, और जो स्वस्थ है उनको अलग रख के उनके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो ना दवाई की कमी है राज्य सरकार की तरफ से, ना डॉक्टर्स की कमी है, और जहाँ जहाँ ये रोग फैला है वहाँ हमारी टीमें घूम घूम करके और पूरा इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए आज की मीटिंग के अंदर लंपी को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सारी पर चर्चा की है, और आने वाले समय में ये रोग जो है धीरे धीरे अब ख़त्म भी हो रहा है, और इनके ऊपर पूरी निगरानी रख रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, हम गाय के ट्रीटमेंट के लिए हर तरह का कदम उठाएंगे, और MLA जी ने भी अपना फंड दिया है। जहाँ अगर कोई बजट की ज़रूरत है तो मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष ध्यान दिया है, उनके लिए अलग से बजट दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी MLA और भी फंड देने के लिए तैयार है।